सिर्फ नोटिस जारी की है। स्टे के लिए पिटिशनर्स की तरफ से बहुत अटेम्प्ट किया गया पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करके स्टे के मुद्दे पर अगली सुनावी के लिए 2 हफ्ते के बाद मैटर रखा है। अब इन द मीन वाइल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अपना जवाब दाखिल करेगी और स्टे न मिल पाए इसके लिए कोशिश करेगी। आज जब पिटिशनर्स ने स्टे के लिए प्रेस किया तब कोर्ट को महाराष्ट्र की तरफ से कहा गया कि ये एक्ट का ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, एजुकेशन की फील्ड में 12% हो चुका है और एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में 13% हो चुका है, ये पोजीशन रिवर्स नहीं कर सकते। कोर्ट ने भी ये मेंशन किया है कि ये 450 से भी ज्यादा पेजेस की जजमेंट है, ये एक बहुत ही वेल रीजन जजमेंट है, इसलिए इसे डिटेल में सुनवाई के बगैर कुछ डिसीजन नहीं दे सकते, इसीलिए आज कोर्ट ने कोई भी प्रकार का स्टे नहीं दिया है। क्या आप इस फैसले को पीछे से लागू करना चाह रहे थे? पीछे से लागू करना नहीं चाह रहे थे, कोर्ट ने इसलिए स्पेसिफाई किया है कि ये फैसला पीछे से लागू नहीं होगा, बट ये एडमिटेड पोजीशन है। स्टेट भी नहीं चाहती है कि 30 नवंबर 18 जो डेट है एक्ट की उसके पहले लागू करे। ये आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा दिलासा खुले वर्ग के छात्रों को और खुले वर्ग के नौकरियों में नौकरी मिलने के जो प्रयास में रहते हैं, जो ब्राह्मण समाज से लेके छोटे मोटे जो खुले समाज के लोग हैं उनको बड़ी राहत दी है। आज माननीय उच्च न्यायालय बम्बई के जो डिसीजन को आज हमने जो चुनौती लगाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, आज सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस ये की है लगाई है और राज्य सरकार को 2 हफ्ते के अंदर अपनी बात रखने को कहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2 हफ्ते के दिन ये प्रकरण में वो जो स्थगिति लगने के लिए जो स्टे लगने के लिए सुनवाई करेंगे। उसके साथ एक बड़ा दूसरा दिलासा दिया है वो ये है कि राज्य सरकार से ये कहा है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली यानी प्रभाव के पहले से इसको लागू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अब राज्य सरकार 2 हफ्ते तक इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होने तक कुछ नहीं कर पाएगी। हाईकोर्ट ने निर्णय दिला होता कि मराठा समाजाला 13% आणि 12% आरक्षण शैक्षणिक आणि नोकरीत मिळावं, त्याच्यासाठी अनेक लोकांनी अपील केली की ते मिळू नये म्हणून। आज सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारने त्यांनी एक चांगली मोठी फौज उभा केली वकिलांची आणि त्यांनी चांगली भक्कम बाजू महाराष्ट्राची त्यांनी मांडली आणि मांडल्यानंतर निर्णय असा दिला की स्थगिती ही आरक्षणाला दिली जाणार नाही। स्टे नहीं लगेगा ऐसा उन्होंने बोला। सुप्रीम कोर्ट में इसमें 2 वीक्स के बाद इंटरिम स्टे के लिए सुनवाई के लिए रखा है और अभी तक के लिए रिट्रोस्पेक्टिव स्टे दिया गया है। इसका मतलब कि कोई भी ऑर्डर अगर ये रिजर्वेशन ऑर्डर के पहले आया हुआ है तो उस पे वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रेसिडेंट यूथ फॉर इक्वालिटी। इट इज मराठा रिजर्वेशन जो असेंबली में अभी पास हुआ है, जो अमेंडमेंट के साथ मराठा गवर्नमेंट ले आई थी, उसको वो रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करना चाहती थी, यानी कि 2018 में पास किया हुआ बिल वो 2014 से लागू करना चाहती थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही स्टे कर दिया कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लग सकता। लेकिन जब हमने प्रोस्पेक्टिव की बात की कि आगे भी ना दिया जाए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है और 2 हफ्ते में प्लीडिंग कंप्लीट करके दोबारा डेट देने की बात की है।